नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। सीतामढ़ी में उस वक्त पुलिस महकमे में मातम पसर गया जब शहर के पुनौरा थाना में पदस्थापित दारोगा राकेश कुमार की मौत तब हो गई जब देर शाम वो आज से शुरू हुई बोर्ड की परीक्षा में दी गई ड्यूटी से थाना लौट रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार से आ रही पिकअप वैन ने सामने से ठोकर मार दी और वो बुरी तरह जख्मी हो गए। आनंद फानन में उन्हें निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन देर रात तक डीएसपी समेत पूरा पुलिस महकमा उनके परिजनों के आने का इंतजार करते रहे और उनके पहुंचने पर ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई। सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। हाँ, वो एक्चुअली वो अपनी परीक्षा ड्यूटी से जो है थाना वापस जा रहे थे मोटरसाइकिल से, तो सामने से जो है एक पिकअप गाड़ी जो है जो ठोकर लगा, जिसके कारण आकस्मिक मृत्यु हो गई। उसमें से एक व्यक्ति को पकड़ा भी गया है, उससे पूछताछ किया जा रहा है। पिकअप चालक गिरफ्तार कर लिया गया। चालक है या फिर पिकअप पे जो आदमी है वो है, उसका वेरीफाई अभी किया जा रहा है। थैंक यू। मतलब किस तरह की हत्या है ये, क्या है मामला? प्रथम दृष्टया तो उसको मतलब कुछ लोग के द्वारा जो है गोली मारा गया है और इस पर जाँच किया जा रहा है कि ये घटना कारित करने के पीछे क्या कारण है। तो इसके पीछे जो है उसकी जांच टीम गठित करके जो है इसका जांच किया जा रहा है, जल्दी पता चलेगा। इसके दो और भाई की जानकारी है कि पिछले दो सालों में दो भाई की भी हत्या। थोड़ा यहाँ पर जो लग रहा है कि आपसी वर्चस्व में या फिर आपसी रंजिश में इस तरह की घटना का अंजाम दिया गया है। इस बिंदु पर जो है वहाँ पर जाँच किया जा रहा है, जो बरामद हुआ है घटना स्थल पर जो भी चीज़ बरामद है देख करके जो है उसका कार्रवाई किया जाए।